मेरे जीवन की सत्य घटना बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश में एक छोटे से कस्बे में मैं गया। हमारे ही जैन बंधु किराने के दुकान चला रहे थे। जब मैंने दुकान में डिब्बे देखे तो मुझे इतनी मस्ती आई कि इतने सुंदर डिब्बों में इन्होंने चीजें भर के रखी है। मैंने उस भाई को पूछा, भूलचंद जी इस डब्बे में क्या है? उन्होंने कहा नमक। फिर मैंने पूछा, भाई इसमें माल दिख नहीं रहा, ऐसे डब्बों में रखे? नहीं महाराज जी, हमको तो अंदर क्या है आदत के कारण मालूम ही है, हम बराबर ले लेते हैं, इसलिए ऐसे ही ऐसे अल्मोनियम डिब्बे में रखी हुई है माल। मैंने कहा इस डिब्बे में क्या है? हल्दी। इस डिब्बे में क्या है? मिर्च। ऐसे ही देखते देखते मैंने कहा ये डिब्बे में क्या है? उन्होंने कहा राम राम। अरे भाई राम बेचते हो क्या? राम कहां से पीछे बिकेगा? राम राम, ये डिब्बे में क्या रखा है फूलचंद जी? उन्होंने कहा महाराज जो डब्बा खाली रहता है उनको हम व्यापारी खाली डिब्बा नहीं कहते, खाली डिब्बे को राम राम कहते हैं। अरे ये क्षण में मेरा माथा कोंध गया। जिस चीज को जानने के लिए मैं पूरे जीवन तप किया, जप किया, चिंतन किया, एक व्यापारी ने मुझे समझा दिया कि जो खाली डिब्बा होगा उसी में राम रहेगा। जिस डिब्बे में काम, क्रोध, मोह, माया, ईर्ष्या, जलन ये सब भरा है, वहां राम कहाँ रहेगा? बहुत सुंदर व्यापारी ने मुझे समझा दिया, जो डिब्बा खाली है यानी जो शरीर खाली है, जिसके अंदर कोई प्रकार का विकार नहीं है, स्वतः ही वहां राम आ जाते हैं। जय श्री राम, जय महाभारत।